वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर WWE के इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ शुरू होने वाला है। और गाइस, वैसे तो आज यहां पर मंडे नाइट रॉ टीवी पर लाइव होगा, बट एक्चुअल में मंडे नाइट रॉ लाइव ना होकर बल्कि प्री रिकॉर्डेड होने वाला है। और लास्ट वीक रॉ के लाइव जाने के बाद WWE ने इस हफ्ते के रॉ को रिकॉर्ड किया, जिसके वजह से शो के स्पॉयलर लीक हो चुके गए। और बात करें शो के स्पॉयलर्स की, तो आज यहां पर मंडे नाइट रॉ के ओपनिंग के ऊपर रिया रिप्ली शो के ऊपर हमें यहां पर रकुल को कॉल आउट करते हुए दिखाई देंगी। बट इसके अलावा यहाँ पर शो के ऊपर टिफनी यहाँ पर हमें अपीयर होते हुए दिखाई देंगी, और वो यहाँ पर रिया रिप्ली के साथ आर्गुमेंट कर रही होंगी। तभी यहाँ पर लिव मॉर्गन और रकुल के द्वारा आज यहाँ पर टिफनी और रिया रिप्ली के ऊपर अटैक किया जाएगा, जिसके बाद कि शो के ऊपर इस WWE के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए बियंका ब्लेयर जेट कारगिल डैमेज सिटियरल को फेस करेंगी। और बियंका ब्लेयर जेट कारगिल इस मैच के अंदर डैमेज सिटियरल को बीट करके टाइटल को रिटेन करेंगी, जिसके बाद कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर वायर राइडर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा, जो उनके रिटर्न के ऊपर आज यहां पर अल्फा एकेडमी को नीट एंड क्लियर बीट करेंगे। बट इसके अलावा आज यहां पर मीज और आर्थरूथ के बीच में वन ऑन वन सिंगल मैच होगा, जिस मैच में कैरियन क्रॉस की इंटरफेरेंस के वजह से मीज यहां पर आर्थरूथ से हारने वाले गए। बट इसके बाद यहां पर ब्रॉन बेकर रॉ के ऊपर आज यहां पर कॉफी किंगस्टन को फेस करेंगे, और हमें यहां पर ब्रॉन बेकर कॉफी को नीट एंड क्लियर बीट करते हुए दिखाई देंगे, जिसके बाद शो के मेन इवेंट के ऊपर टिफनी और रिया रिप्ली टैग मैच के अंदर लिव मॉर्गन और रकुल को फेस करेंगे। पर मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर नाया जैक्स आज यहां पर सब पर अटैक करने वाले गए, और इसके अलावा शो के ऊपर अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स भी अपीयर होंगे। वल देखना दिलचस्प होगा कि शो के स्पॉयलर्स के लीक होने के बाद क्या रॉ के ऊपर हिको लियो या ब्रॉक लेसनर जैसे रेसलर्स का कहीं भी कोई मेंशन होता है या नहीं, और इनमें से कोई रिटर्न या डेब्यू करता है या नहीं।